इन दिनों डिंडौरी ज़िले में एक उपयंत्री भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, जो लगातार सुर्खियों में पूरा मामला बना हुआ है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला डिंडौरी से सामने आया है, जहां पर उपयंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। मामला भुरका ग्राम पंचायत के बंद्रा नाला में बना चेक डैम का है, जहाँ पिछले साल चेक डैम बनकर तैयार हुआ था, जिससे बने हुए काफ़ी साल भी नहीं हुए हैं और चेक डैम जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही चेक डैम में तेजी से रिसाव भी हो रहा है, जिसके बाद से महद्वानी जनपद के CEO ने सब इंजीनियर और संबंधित सचिव सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई समेत सेवा समाप्ति को लेकर जिला पंचायत को पत्र लिखा है। यह खबर जैसे ही डिंडौरी कलेक्टर के संज्ञान में आई, कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान सब इंजीनियर मुकेश पटेल का नाम लेकर कार्रवाई का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि डिंडौरी कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद सब इंजीनियर मुकेश पटेल पर क्या कार्रवाई होती है। पहला तो एक गुणवत्तापूर्ण निर्माण में सीवियर इश्यूज है। अभी लास्ट मामला मेहनवानी का आया, जो आप लोगों ने हाईलाइट किया और हमने भी उसको पकड़ा। हमारे एक पटेल साहब के सब इंजीनियर साहब, उनकी गंभीर संदेहास्पद उनके कृत्य निकले हैं, जो आगे जाकर टर्मिनेशन में कन्वर्ट होंगे। कोई कारण ही नहीं है कि ना हम मतलब स्टॉप डैम बना दिया है, टूट गया है, सब चले गए। मेरा मत बनाओ ना, नहीं तो विजुअल बस है और कुछ नहीं।